गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल बी स्टार्ट चैप्टर 7 व्हेन द नाइटिंगेल सिंग, जब बुलबुल गाती है। सबसे पहले आपके कहीं चैप्टर पर डेट मेंशन करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए एम्पायर इन चाइना, एक समय की बात है, चाइना का राजा था। ही वॉज ए गुड रूलर, वह एक अच्छा राजा था। हिज किंगडम वॉज रिच एंड ब्यूटीफुल, और उसका राज्य जो था वह रिच मतलब बहुत पैसे वाला और सुंदर था। ही लिव्ड इन ए ग्रैंड पैलेस, वो एक बहुत बड़े पैलेस में महल में रहता था। देयर वॉज ए ह्यूज गार्डन इन फ्रंट ऑफ हिज पैलेस, और उसके जो महल था उसके सामने एक बहुत बड़ा गार्डन था। द ग्रीन ट्री द कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट मैनी बर्ड्स फ्रॉम द नियर बाय फॉरेस्ट, जो हरे भरे पेड़ थे और कलरफुल फ्लावर्स थे वो क्या करते थे, पास वाले जो फॉरेस्ट के पक्षी थे उनको अटैक करते थे। एमोंग दोज बर्ड्स वॉज नाइट एंगल विच सैंग स्वीट, इन सभी बर्ड्स में जो नाइट एंगल थी, बुलबुल थी, वह बहुत स्वीट मतलब मीठा गाना गाती थी। द एम्पायर वॉज प्राउड ऑफ हिज किंगडम, जो एम्पायर था, राजा था, उस सम्राट को अपने किंगडम पर, अपने राज पर प्राउड था, पैलेस एंड गार्डन के लिए। ट्रेवल्स फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी हिज किंगडम्स, जो यात्री थे वो इधर उधर से, बहुत पूरे देश से इधर उधर से घूम कर आते थे और उसके राज को देखने के लिए। बट वॉट दे लाइक टू द बेस्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, पर उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता था, जो बुलबुल का गाना था वो सबसे ज़्यादा उनको पसंद आता था। द एम्परर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द नाइटिंगेल सॉन्ग, जो राजा था वो बुलबुल के गाने का सुनने का शौकीन था। वेन एवर द नाइट एंगल वेंट बैक टू द फॉरेस्ट एंड हर सॉन्ग स्टॉप्ड, द एम्परर वुड फील सैड, जब भी बुलबुल कहाँ चली जाती थी, जंगल में वापस चली जाती थी, उसका तो उसका गाना रुक जाता था, तो राजा क्या बहुत दुख फील करता था। वन डे द एम्परर वॉज फीलिंग सैड बिकॉज द नाइट एंगल हैड नॉट कम फॉर द पास्ट टू डेज, एक दिन क्या राजा बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि जो नाइट एंगल थी वो 2 दिन से उसके गार्डन में नहीं आई थी और राजा ने बुलबुल का गाना भी नहीं सुना था। सीइंग हिज कंडीशन वन ऑफ हिज मिनिस्टर, उसकी है कंडीशन देख के उसके एक मिनिस्टर ने, वो मंत्री ने कहा, सेड मंत्री ने कहा, योर हाइनेस यू आर द एम्परर ऑफ द किंगडम, मतलब मेरे महाराज, आप इस राज्य के राजा हैं, वाई डोंट यू ऑर्डर द नाइट एंगल टू स्टे इन योर पैलेस, आप इस राज्य के राजा हैं तो आप बुलबुल को यहाँ रुकने के लिए, महल में रुकने के लिए ऑर्डर क्यों नहीं देते। देन यू कैन हियर हर सॉन्ग फॉर एवर, फिर आप उसका गाना कभी भी सुन सकते हो। द एम्परर लाइक द आइडिया, और जो राजा था, सम्राट था, उसको उसका आइडिया पसंद आ गया। ही सेंड फॉर द नाइट एंगल, और उसने ये आइडिया किसके पास सेंड किया, नाइट एंगल मतलब बुलबुल के सामने इस आइडिया को रख दिया। व्हेन द नाइट एंगल कम ही रिप्लाइड हिज वॉइस टू द लिटिल बर्ड्स, और जब बुलबुल आई तब उसने छोटी चिड़िया के सामने अपनी बात को राजा ने रख दिया। माय सॉन्ग साउंड बेस्ट इन द ओपन एयर सेड द नाइट एंगल, राजा की बात सुन के जो बुलबुल थी उसने कहा, नाइट एंगल ने, कि जो मेरा साउंड है वो ओपन एयर मतलब खुली हवा में ही अच्छा लगता है। बट द एम्पायर इंसिस्टेड दैट शी स्टे विथ हिम इन द पैलेस, पर जो राजा था उसने क्या करा, उसको ऑर्डर दिया कि नहीं तुम्हें यहाँ मेरे राज में ही रहना रहेगा। ही इवन ऑफर्ड हर अ गोल्डन कैक एंड 12 अटेंडेंस, और राजा ने क्या किया, उसको फोर्स किया उसके राज्य में रहने के लिए, और उसने बुलबुल के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया और उसके लिए 12 अटेंडेंस मतलब जो उसको देख सके 12 लोगों को वहाँ पर आसपास उसके छोड़ दिया। द नाइट एंगल एग्रीड रिलक्टेंटली टू स्टे इन द पैलेस, जो नाइट एंगल थी वो क्या एग्री तो हो गई पर उसका मन नहीं था, उदास मन से, या अपने मन मारकर कोई भी काम करते हैं ना जबरदस्ती, इस तरह से। एवरी डे शी वुड सिंग फॉर द एम्पायर, और वह क्या करती, रोज उसके लिए गाना गाती,
However, she was not at all happy in the cage. पर वह उस कैग में मतलब उस पिंजरे में खुश नहीं थी. वह गाना तो गाती थी पर खुश होकर नहीं गाती थी. One day the king of Japan come to visit the empire. एक दिन क्या हुआ, जापान का किंग उस राज चाइना के राजा के एम्पायर में विजिट कर लिया आया. He brought a nightingale for the empire. और वह क्या लेके आया राजा के लिए, एक बुलबुल को लेकर आया. It looked beautiful and sang a sweet song. और वह बहुत सुंदर थी और वह स्वीट सॉन्ग भी गाती थी, अच्छा गाना भी गाती थी. But it was an artificial bird. बट वह कैसी थी, आर्टिफिशियल थी, ओरिजिनल बर्ड नहीं थी. इट हैड डायमंड एंड रूबीज ऑन इट्स विंग्स एंड बिग. और उसके चोंच पे क्या लगे हुए थे, चोंच और पंख पर डायमंड और रूबीज लगे हुए थे. इट हैड ए की, और उसकी एक चाबी थी. व्हेन द की वाज वॉन्ड अप द बर्ड्स वुड सिंग. और जैसे ही हम उस चाबी को घुमाते थे वो बर्ड्स गाना गाने लग जाती थी. द किंग ऑफ जापान ask his attendant to make the real nightingale and the artificial nightingale to sit on two cushion and sing a few song each. जो king of Japan था उसने कहा कि ठीक है हम दोनों के बीच कॉम्पिटिशन करते हैं और दोनों nightingale को कहाँ बिठाते हैं, कुशन पे बिठाते हैं और उन्हें एक दूसरे के सामने बिठाकर उनसे कुछ गाने गाने के लिए बोलते हैं या कुछ गाने गाने के लिए कहते हैं. The artificial bird sang थ्री टाइम्स बट इस टाइम इट वॉज द सेम सॉन्ग. जो आर्टिफिशियल बर्ड थी उसने क्या गाना, तीन बार गाना गाया पर तीनों टाइम क्या, सेम सॉन्ग ही सिंग किया. देन कम द टर्न ऑफ द रियल नाइटेंगल. इसके बाद वह कहाँ गए, जो रियल नाइटेंगल थी उसके पास गए. बट वेयर वॉज सी, पर वह कहाँ थी. नो वन हैड नोटिस हर फ्लाई आउट ऑफ द ओपन विंडो. किसी ने भी यह नोटिस नहीं किया कि वह ओपन विंडो को देखकर जो नाइटेंगल थी वह उड़ गई थी. बैक टू द फॉरेस्ट हर होम, और कहाँ वापस चली गई थी, जंगल में उसके घर वापस चली गई थी. द एम्पायर वॉज फ्यूरियस्ड विथ हर एंड बनिश्ड हर फ्रॉम द पैलेस. जो एम्पायर जो था और उसने क्या किया, वह बहुत गुस्सा हुआ और जो भी अटेंडेंट थे उन पर चिल्लाया और उनको सबको पैलेस से बाहर निकाल दिया. सिंस दैट डे द आर्टिफिशियल नाइटेंगल सैंग फॉर द एम्पायर वेन एवर इट वॉज वुड अप. और जब भी राजा चाहता था, उसके बाद क्या हुआ, जो आर्टिफिशियल नाइटेंगल थी वह उसके लिए गाना गाती थी कब, जब भी राजा चाहता था. वन इवनिंग एज द आर्टिफिशियल बर्ड वॉज सिंगिंग, एक शाम जब आर्टिफिशियल गाना गा रही थी, समथिंग वेंट पॉप इनसाइड इट एंड म्यूजिक स्टॉप. उसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई और गाना जो था म्यूजिक रुक गया. द बर्ड वुड नॉट सिंग एनी मोर, और जो आर्टिफिशियल बर्ड थी वो और ज़्यादा गाना नहीं गा पा रही थी. नो मैटर वॉट द एम्पायर सेड और डाइड, और उसके लिए कोई मैटर नहीं था कि एम्पायर उसको सुन रहा है या नहीं, वो बंद हो चुकी थी. द एम्पायर थ्रो द बर्ड्स इन ए कॉर्नर, और जो राजा को गुस्सा आ गया उसने उस चिड़िया को क्या किया, साइड में फेंक दिया. विदाउट द म्यूजिक द एम्पायर ग्रो सैड, बिना म्यूजिक के जो राजा था वो दुखी हो गया. सून ही फेल इट, और जल्दी ही वह बीमार रहने लगा. द रॉयल फिजिशियन कम बट कुड नॉट फाइंड एनी थिंग रॉन्ग विथ हिम. जो वहाँ के शाही डॉक्टर थे वो भी आए और उन्होंने उसको देखा पर उसको राजा को क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो ये समझ नहीं पाए कि राजा के साथ क्या गलत हुआ है. दे डिसाइड दैट द ओनली क्योर क्योर फॉर द एलाइन एम्पायर वुड बी द सॉन्ग नाइटेंगल, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो राजा का एक इलाज सिर्फ यही है कि उसको बुलबुल का गाना सुनाया जाए. In the meantime, the nightingale had heard the empire illness from other bird in the forest. और किसी समय में जो भी बुलबुल थी उसने दूसरी बर्ड से सुना, जो जंगल की दूसरी चिड़िया थी उनके द्वारा उसको पता चला कि जो राजा है वो बीमार हो चुका है और उसका इलाज क्या है, बुलबुल का गाना उसका इलाज
है। शी वॉज ए काइंड हार्ट बर्ड, वह एक दयालु चिड़िया थी। शी डिसाइडेड टू गो द एम्परर पैलेस एंड सिंग फॉर हिम अगेन, और उसने डिसाइड किया कि वह वापस में राजमहल में जाएगी और वहाँ पर उसके लिए गाना गाएगी। वन डे एज द एम्पायर ले इन हिज बेड, और एक दिन जब वह उसके राज में गई तो उसने देखा जो सम्राट था वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कैसा, ठंडा एंड पैल, कोल्ड एंड पैल, मतलब ठंडा और पीला। द लिवली सॉन्ग वफेड इन टू द पैलेस, और उसने पैलेस पे क्या किया, बैठ गई, वहाँ पे गई और गाना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज द रियल नाइटिंगेल सिटिंग ऑन द एम्पायर विंडोज स्टिल द सिंगिंग ओवर द सो स्वीटली, यह रियल नाइट एंगल थी जो कि राजा की विंडो पे राजा के राजमहल की विंडो पे बैठी हुई थी और गाना और मीठा गाना गा रही थी। शी हैड कम टू फॉर द एम्पायर, यही उसका, वह राजा का जो है इलाज करने के लिए आई थी। सून द एम्पायर वॉज वेल अगेन, और जो राजा था सम्राट था वह जल्दी ही अच्छा होने लगा। He was very pleased with the bird, और वह उसके साथ बहुत खुश था। He wanted to reward her, और वह उसको कुछ reward, मतलब कुछ उसको prize देना चाहता था, gift देना चाहता था। He asked her what she wanted, और उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। The nightingale said, जो बुलबुल थी उसने कहा, Please do not ever ask me to live in the cage, Please आप मुझसे कभी भी इस पिंजरे में रहने के लिए मत कहिएगा। I can neither live in a cage nor can I live in a palace, ना ही मैं इस पिंजरे में जिंदा रह सकती हूँ ना ही आपके महल में रह सकती हूँ। I shall come and sing for you whenever you call me from the window sill, और उसने कहा कि मैं आपके लिए गाऊंगी, जब भी आप मुझे कहोगे मैं आपके लिए जब भी गाना गाऊंगी, आप मुझे खिड़की पे खड़े होकर बुलाएंगे मैं वहाँ आऊंगी और आपके लिए गाना गाऊंगी। The emperor happily agreed and let the bird free, जो राजा था वो बहुत खुश हुआ और खुशी के साथ उससे उसकी बात के साथ सहमत होके उसने क्या किया, बर्ड्स को आजाद कर दिया, उसने जो बर्ड को नाइट एंगल थी उसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया कि तुम मेरे गार्डन में रहो और जब भी तुम्हारा मन कहे तब वहाँ आके गाना गाओ। सो स्टूडेंट, हमने ये स्टोरी कंप्लीट कर लिया, आप इस स्टोरी को घर पे रीड कीजिएगा ओके और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इसके वर्ड बैंक देखते हैं। फर्स्ट है हमारा रिएक्टेंट, मतलब नॉट वांटिंग टू, कुछ और नहीं चाहना। आर्टिफिशियल मैनमेड, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। वैनिश मतलब मैड टू गो अवे, यहां से चले जाओ। एफर्ट मतलब कैरिड थ्रू द एयर, जो हवा के साथ लाया जाए ओके। सो स्टूडेंट, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, वर्ड बैंक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्रामर चार्ट और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ओके.